गुड इवनिंग एवरी वन पार्ट टू सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट वन टाइटल अ हैप्पी चाइल्ड क्लास वन एन सी ई आर टी यूनिट वन टाइटल अ हैप्पी चाइल्ड हम कंटिन्यू करेंगे आई एम श्योर आपने पार्ट वन अच्छे से देख लिया है समझ लिया है अभी हम पार्ट टू स्टार्ट करते हैं ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये है मेरे बारे में आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए और अपने दोस्तों को फैमिलीज के साथ जिनके छोटे बच्चे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स स्टूडेंट जो भी हैं आपके आसपास उन्हें आपको ये वीडियोस क्यों शेयर करने चाहिए क्योंकि ये वीडियो जो है बच्चों को मोटिवेट करता है स्टडी करने में पढ़ाई करने में सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे से इसमें समझाए जाते हैं एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से रहता है हर चैप्टर का टेक्स्ट बुक सल्यूशन इसमें रहते हैं और ये ना कि सिर्फ़ शहर के बच्चों को गाँव के बच्चों को भी समझने में इससे आसानी होती है और वो अच्छे से टॉपिक को पढ़ पाएंगे समझ पाएंगे मेक श्योर यू गिव योर पॉजिटिव वैल्यूएबल व्यूज़ इन द कॉमेंट सेक्शन आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स से अगर आप छोटे बच्चे हैं आपको नहीं लिखना आता तो आप अपने बड़े भाई बहन मम्मी पापा किसी से भी आप कॉमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशन दे सकते हैं आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है आप उसके बारे में बता सकते हैं कंटिन्यू करते हैं हम पार्ट टू चैप्टर वन इंग्लिश का यूनिट वन हमने देखा था रेड कलर पेन लेट्स रीड द सन शाइन्स इन द स्काई सन कहाँ शाइन करता है बादलों hmm. में आई हैव अ रेड पेन ये जो आपको पिक्चर में जो पेन दिख रहा है कलम दिख रहा है कौन से कलर का है रेड यानी कि लाल रंग का रीड एंड मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स ड्रॉ अ लाइन आपको क्या करना है रीड करना है और ये जो भी वर्ड्स हैं आपको लिखे हुए जो दिए हुए हैं इस पिक्चर में उन्हें आपको ड्रॉ करना है लाइन आपको ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं एक लड़का आई एम अ बॉय और आपको एक छोटे से बॉक्स में एक छोटा सा बच्चा बना हुआ है जिसके नीचे लिखा है बॉय यानी बी ओ वाई बॉय यानी लड़का उसी के नीचे एक छोटी सी बच्ची बनी हुई है जिसका नाम जिसका नीचे लिखा हुआ है गर्ल जी आई आर एल गर्ल यानी लड़की और एक बड़ी सी लड़की आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही है उसके ऊपर लिखा है आई एम अ गर्ल आपको ये दो छोटे बॉक्स से इन दो बड़े बच्चों को लाइन ड्रॉ करके मैच करना है यानी कि मिलाना है आंसर्स देखते हैं इसका आंसर आई एम अ बॉय आई एम अ गर्ल ये बॉय से हमने बॉय को मिला लिया मैच कर दिया गर्ल से हमने गर्ल को मैच कर दिया मिला दिया फन विद द कलर्स चलो बच्चों कलर के साथ हम थोड़ी मस्ती करते हैं फन विद द कलर्स फिल इन द बॉक्स विद द राइट कलर आपको ये जो बॉक्स दिए हैं इसमें आपको सही वाले कलर जो है वो कलर फिल करने यानी ड्रॉ करना है आपको कलर अच्छे से क्रेयॉन से आप अपने बुक में जो आपको दिया हुआ है आपको इस बॉक्स में कलर करना है अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एज इट इज़ इस वीडियो को पॉज करके अपनी रफ़ नोटबुक में ऐसे ही इसे सुंदर सुंदर लिख लें और आप इसके बॉक्स में फिर वो कलर कर सकते हैं चलिए फिल इन द ब्लैंक फिल इन द बॉक्स विद द राइट कलर वॉट इज़ द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस हमने जो अभी पोएम जो रीड की थी थोड़ी देर पहले उसमें जो बच्चे का घर था वो कौन से कलर का था वॉट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस हम पहले ये सारे क्वेश्चन रीड करेंगे वॉट इज द कलर ऑफ योर हाउस अभी आपने पोयम में बच्चे का हाउस का कलर देखा आपके घर का कलर कौन सा है आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का कलर कैसा है या जो आपका पूरा घर है वो कौन से कलर का है वो आपको वो कलर आपको इस बॉक्स में फिल करना है वॉट इज द कलर ऑफ द ट्री जब आपने वो पिक्चर में ट्री देखा था या आप घर के आसपास जो ट्री देखते हैं तो वो कौन से कलर के ऊपर उसकी लीव्स रहती हैं पत्तियाँ कौन से कलर की रहती हैं वॉट इज द कलर ऑफ द सन सन का कौन सा कलर होता है जब आप उसे देखते हैं हम्म सो वॉट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस बच्चे का पोएम में जो कलर था घर का वो था रेड कलर वॉट इज द कलर ऑफ योर हाउस आपका अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ मेरे घर में जो कलर है वो येलो कलर का पेंट है आपके रूम में मे बी ब्लू हो सकता है पिंक हो सकता है ब्लू हो सकता है आप उसी हिसाब से कलर करेंगे इस बॉक्स में वॉट इज द कलर ऑफ अ ऑफ़ द ट्री ग्रीन कलर व कलर ऑफ दन तो अगर हम मॉर्निंग में देखते हैं तो हमें वो येलो ऑरेंज और शाम को इवनिंग के टाइम पर वो डार्क ऑरेंज रेड कलर का दिखने लगता है लेट्स स्टॉक इज देयर अ ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस क्या आपके आस पास घर के कोई पेड़ है जो कि ग्रो हो रहा है बढ़ रहा है टेल एस अबाउट द ट्री इज इट बिग और स्मॉल आप बताइए आपके घर के आसपास जो पेड़ है वो छोटा है या बड़ा है बिग बड़ा और स्मॉल या छोटा है डू यू लाइक द ट्री आपको पेड़ पसंद है वॉट इज द नेम ऑफ द ट्री आपके जो घर के आसपास जो ट्री है उसका नाम क्या है तो मेरे घर के पास जो ट्री है मैं उसके बारे में लिख रही हूँ टेल्स अबाउट द इज देयर अ ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस यस टेल टेल्स अबाउट द ट्री इज इट बिग और स्मॉल इट इज अ बिग ट्री डू यू लाइक द ट्री यस आई लाइक द ट्री वॉट इज द नेम ऑफ द ट्री द नेम ऑफ द ट्री इज पीपल मेरे घर के पास पीपल का पेड़ है आपके घर के आसपास मैंगो ट्री अशोका ट्री बैनियन ट्री कोई भी ट्री का आप नाम लिख सकते हैं इसमें जो आपके घर के आसपास दिखता है लेट्स शेयर देयर आर मैनी काइंड ऑफ हाउसेस सर्कल द वंस यू हैव सीन आपने अगर आप कभी ट्रेन में जाते हो अपने रिलेटिव्स के पास या कहीं आप घूमने जाते हो तो आपने आसपास अलग अलग टाइप के हाउस देखे होंगे इनमें से अगर वो ऐसा कोई हाउस है तो आप उसे सर्कल कर सकते हैं एच यू टी हट अगर आपने ऐसा झोपड़ी जैसा कोई घर देखा है आप उसको भी सर्कल कर सकते हैं इग्लू आई जी एल ओ ओ इग्लू ये काफ़ी जहाँ पे ठंडे वाले एरिया रहते हैं जहाँ पे बहुत बर्फ रहती है वहाँ पे कहीं कहीं पर ऐसे घर बनाए जाते हैं जिन्हें हम इग्लू कहते हैं फ्लैट एफ एल ए टी फ्लैट बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहती है उसमें छोटे छोटे घर ऊपर बने रहते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लैट बंगलो बी यू एन जी एल ओ डब्लू बंगलो जो बहुत बड़ा सा घर रहता है उन्हें हम बंगलो कहते हैं होमवर्क रीड लर्न राइट ऑल न्यू वर्ड्स आप बच्चों को बहुत ध्यान से ये सारे वर्ड्स जो भी हमने पार्ट वन पार्ट टू में कर रहे हैं हमें वो अच्छे से रीड करना है लर्न करना है सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में सारे न्यू वर्ड्स लिखने हैं सर्च हाउ टू मेक ग्रास हट एंड इग्लू आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने बड़े भाई बहन के साथ आप बैठ के सर्च कीजिए कि की झोपड़ी और इग्लू जो है वो कैसे बनता है प्लीज डू कमेंट एंड टेल मी स्पेशली टीचर्स पेरेंट्स एल्डर ब्रदर सिस्टर गिव सजेशंस योर फीडबैक दिस मैसेज इज फॉर टीचर्स पेरेंट्स एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर लेट्स ड्रॉ ड्रॉ योर हाउस यर एंड टॉक अबाउट इट आपको यहाँ पे हाउस ड्रॉ करना है और उसके बारे में लिखना है बोलना है तो ये मैंने हाउस यहाँ पे लगाया है आप देख के इसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसके बारे में लिख सकते हैं आई लिव इन अ ब्यूटिफुल हाउस ये हाउस आपको कैसा लग रहा है बहुत ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल है ना

मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड सिस्टर इन माई हाउस मैं अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ अपनी बहन के साथ रहती हूँ अगर आप अगर आपकी कोई सिस्टर है तो आप लिख सकते हैं अगर आप अपने भाई के भी साथ रहते हैं पेरेंट्स के साथ तो आप वो भी लिख सकते हैं आई डेली क्लीन प्ले डू योगा एंड एक्सरसाइज इन माई हाउस मैं डेली अपने घर के आसपास या अपने रूम को क्लीन करता हूँ या क्लीन करती हूँ हम खेलते हैं योगा करते हैं एक्सरसाइज करते हैं अपने घर में आप ये भी लिख सकते हैं कि आप स्टडी भी करते हैं आप पढ़ाई भी करते हैं आई लव माई हाउस और मुझे अपना हाउस बहुत पसंद है हाउ डू यू फील आपको कैसा फील होता है ड्रॉ एंड से आपको ड्रॉ करना है और उसके आगे लिखना है और बोलना भी है वैन यू गेट अ न्यू ड्रेस अगर आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स आपके लिए कोई नया कपड़ा खरीद के लेके आते हैं नया ड्रेस लेके आते हैं तो आप कैसा फील करते हैं हम इसमें ड्रॉ करेंगे और फिर बोलेंगे वैन यू गेट हर्ट अगर आपको चोट लग जाती है तो आप कैसा फील करते हैं आप उसे ड्रॉ करेंगे और आगे उसके लिखेंगे वैन यू शेयर योर थिंग्स अगर आप अपनी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो आपको कैसा लगता है वैन यू आर इल आई एल एल इल अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको कैसा लगता है हम देखते हैं वैन यू गेट अ न्यू ड्रेस यू फील हैप्पी एच ए पी पी वाई हैप्पी वैन यू गेट हॉट हाउ डू यू फील सैड एस ए डी सैड यानि दुखी वैन यू शेयर योर थिंग्स आप जब अपने दोस्तों के साथ पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो आपको कैसा फील होता हैप्पी एच ए पी पी वाई हैप्पी वैन यू आर इल अगर आप बीमार पड़ते हैं तो कैसा लगता है ड ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव इन योर होम आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं इस पिक्चर में ये जो छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा है घर के अंदर आपको ये और जो उसके आस पास जो ड्राॅइंग बनी हुई है माई ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी या नाना जी को हम ग्रैंडफादर कहते हैं ग्रैंड मदर नानी माँ या दादी माँ को हम ग्रैंड मदर कहते हैं पिताजी बाऊजी, फादर हम उन्हें फादर कहते हैं पापा को हम फादर कहते हैं मदर मदर हम मम्मी को कहते हैं हमारी माँ को सिस्टर हमारी बहन को हम सिस्टर कहते हैं माय ब्रदर भाई को हम ब्रदर कहते हैं Grandfather G R A N D F A T H E R grandfather, grandfather Grandmother G R A N D M O T H E R Grandmother Father F A T H E R Father Mother M O T H E R Mother Sister S I S टी आर सिस्टर ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर तो अगर आपके घर में जो भी इनमें से जो आपके साथ रहते हैं उनको आपको इस तरीके से एरो बनाना है ट्रेस द नंबर्स ऑन द डॉटेड लाइन्स बिंदुओं को जोड़कर अंकों का पता लगाओ तो ये जो आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है इन डॉट्स को आपको एक साथ जोड़ना है और ये नंबर सामने सामने बना के लिखने हैं फिर आप नीचे उसकी स्पेलिंग भी लर्न करेंगे देख के ओ एन ई वन टी डब्ल्यू ओ टू टी एच आर डबल ई थ्री एफ ओ यू आर फोर एफ आई वी ई फाइव एस आई एक्स सिक्स हाउ मैनी पीपल लिव इन योर हाउस आपके घर में कितने लोग रहते हैं आंसर देयर आर फोर पीपल हु लिव इन माई हाउस मेरे घर में चार लोग रहते हैं आप बच्चों के घर में थ्री भी रह सकते हैं अगर तीन लोग रहते हैं तो आप थ्री लिखेंगे फाइव लोग रहते हैं आप फाइव लिखेंगे डिपेंड करता है कि आपके घर में टोटल कितने लोग रहते हैं सिंग यानी गाइए जैक इन द बॉक्स सिट्स सो स्टिल वोंट यू कम आउट यस आई विल यानी कि जैक एक तरीके से कोई खिलौना है जोकर जैसा जो कि एक बॉक्स में बंद है वो चुपचाप से अंदर बैठा हुआ है तो जो बच्चा इसके साथ खेल रहा है वो बातें करता है खिलौने से जैक से कि तुम बाहर नहीं आओगे और वो एक चाबी घुमाता है उस बॉक्स से और वो अचानक से जैक जो है वो बाहर आ जाता है अगेन हम देखते हैं जैक जे ए सी के जैक इन द बॉक्स जैक इन द बॉक्स सिट सो स्टिल यानी बैठा हुआ है बहुत ही शांति से वोट यू कम आउट तुम बाहर नहीं आओगे यस आई विल मैं आऊंगा हा मैं आऊंगा जॉइन द डॉटेड लाइन्स राइट दिए गए बिंदुओं को जोड़कर इसके बाद लिखो तो ये बी सी इस तरीके से जो अल्फाबेट्स हैं आपको ये जो पहले जो चार जो डॉट्स हैं इनको मिलाना है और फिर लास्ट में आपको ये अल्फाबेट्स लिखने हैं लाइन के ऊपर एक आईने में देखो तुमने क्या देखा नीचे दिए गए गोले में अपने चेहरे का चित्र बनाओ लुक इन अ मिरर आप मिरर में देखिए शीशे में देखिए वॉट ड्यू सी आपको क्या दिखाई देता है श्योर sure, आपको आपका फेस दिखाई देगा ड्रॉ योर फेस इन द सर्कल ये एक सर्कल है इसके अंदर आपको अपना फेस बनाना है और मैं आपको एग्जाम्पल जैसा दे देती हूँ एक पिक्चर दिखाती हूँ ऐसे पिक्चर जैसा आपके अगर कर्ली हेयर्स हैं या आपकी दो चोटियां बनी हुई हैं आपके जैसे बाल हैं आप इसमें इस सर्कल में ड्रॉ करेंगे फिर आप रीड करेंगे उसके पास लिखा हुआ है रीड ए बी सी और नीचे जो भी ए का जो डायग्राम है वैसा आप ए पूरे सर्कल करके आप ए लिखेंगे सब में कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ अ कैट अकाउ डॉग एंड अ शिप शिप फ्रॉम ओल्ड बुक्स और न्यूज पेपर्स एंड पेस्ट बिलो पुरानी किताबें अथवा समाचार पत्रों से एक बिल्ली एक गाय एक कुत्ता तथा एक भेड़ का चित्र काट कर दिए गए स्थान पर चिपकाइए ए कैट सी ए टी कैट ए काउ सी ओडबू काउ ए डॉग डी ओ जी डॉग ए शीप एस एच ई ई पी शीप बिल्ली गाय कुत्ता भेड़ थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल लाइक शेयर Comment and subscribe to this channel. Thank you. Have a good day. Enjoy.